हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोटो पाठशाला। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग लाइटिंग से एक मूड क्रिएट करेंगे। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट लेके और हम लोग बिल्कुल फ्लैट लाइट रख के और एक शॉट ले सकते हैं, बट उस शॉट में वो मज़ा नहीं आता, एक मूड नहीं क्रिएट होता। और सेकेंडली, थोड़ा ड्रामेटिक लाइट रख के, इनफैक्ट वन सिंगल लाइट से भी हो सकता है, थ्री लाइट्स, टू लाइट्स, थ्री लाइट्स से भी हो सकता है। और बेसिकली एक उस शॉट को देख के मन में एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आगे क्या होगा। सो इस चैप्टर में मैं शूट करने जा रहा हूँ एक रिवॉल्वर, एंड दिस इज़ द रिवॉल्वर। और इसको एक टेबल पे, लेट्स से इसको, ये जो रिवॉल्वर है एक टेबल पे रखा हुआ है, और उस शॉट को देख के लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि इसके आगे क्या हुआ। सो आज का चैप्टर यही है, इट इज़ अबाउट दिस रिवॉल्वर, और लेट्स शूट। ओके दोस्तों, ये आ गया अपना सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा कैमरा है। और लाइटिंग की बात करें, सो जो अपना फर्स्ट लाइट है, जो अपना मेन लाइट है, वो ठीक सब्जेक्ट के पीछे है, ये वाला लाइट। एंड ये वाला जो लाइट है, ये अपना सब्जेक्ट को यहाँ से आके कुछ इस तरह से हिट कर रहा है। एंड देन जो अपना सेकेंड लाइट है, वो है सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे, और वो ये लाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो सेकेंड लाइट है, वो लाइट जो है इस वाले एरिया के लिए है। और जो अपना थर्ड लाइट है, वो है सब्जेक्ट के राइट साइड पे, और ये लाइट है अपना। फोकस सही लग रहा है दोस्तों मुझे, एंड लेट्स टेक ए शॉट। और दोस्तों, ये तीन लाइट का जो काम है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये जो अपना है, ये मेन लाइट है, और इस मेन लाइट का काम ये है कि ये जो टॉप पार्ट है, इस टॉप पार्ट को लाइट अप करना। इन दोनों लाइट का बेसिक काम ये है कि जो शेडोज़ आ रही हैं इस लाइट की वजह से इस साइड पे, उसको थोड़ा रिड्यूस करना। द शॉट इज़ गुड, बट जो शॉट में एक मूड आना चाहिए, एक रिवॉल्वर का शॉट है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा अगर डार्क एरिया, शेडोज ज़्यादा हो, सो जो शॉट होता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। राइट नाउ बिकॉज द लाइटिंग इज़ ऑलमोस्ट हर तरफ से लाइट है, और लाइटिंग जो है मेरे हिसाब से थोड़ा फ्लैट लग रहा है, और जो मूड है वो लाइटिंग में मूड नहीं आ रहा है। सो लेट्स डू दैट। ये जो अपनी दो लाइट है, इन दोनों लाइट को हटा देते हैं, एंड देन एक शॉट लेके देखते हैं कैसे शॉट आ रहा है। दोस्तों, अब जो मेरा शॉट आने वाला है, जस्ट एक बैक लाइट के साथ है, लेट्स टेक ए शॉट। सो दोस्तों, अब आप डिफरेंस देख सकते हो जो लास्ट शॉट था और इस शॉट में। आई थिंक थोड़ा जो मूड है वो चेंज हो गया, और ये शॉट मुझे पिछले वाले शॉट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों, अपना पिछला जो शॉट था, उसमें हर तरफ से लाइट आ रही थी, और अब जो एक सिंगल लाइट से जो शॉट आया है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज यहाँ पर अपना शेडोज़ आ गया है। दोस्तों, ये जो सॉफ्ट बॉक्स था, मैंने इस लाइट से हटा दिया, और आप सोच रहे होंगे कि अब भी इसमें लाइट क्यों जल रही है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं इसको, मैं क्या करता हूँ कई बार वीडियो शूट करने के लिए, मैंने इसके अंदर एक लाइट लगा दी है, आई थिंक आप देख सकते हो कि वहाँ से। सो ये लाइट का जो कनेक्शन दे दिया मैंने, डिफरेंट केबल से इसमें कर दिया कनेक्शन। इट्स ए नॉर्मल LED बल्ब जो आता है वो है, और समटाइम्स यह हो जाता है कि इस लाइट में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, बट मोर और लेस जब बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट यूज़ दिस लाइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू द शॉट, लेट्स गेट बैक टू द लाइटिंग। और इस लाइटिंग में अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये एक रिफ्लेक्टर लगाने जा रहा हूँ।
ये इसका नाउ इसका मॉडलिंग लाइट जल रहा है, जो कि बहुत ही हॉट लाइट है। ये जो लाइट है काफ़ी पुराना लाइट है और आई थिंक 15-20 ईयर्स से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसका जो मॉडलिंग लैम्प है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। उस टाइम में ऐसी लाइट्स आती थी, आई कैन फील इट, अभी से ही गर्म हो गया। और जो रिफ्लेक्टर हो जाता है वो टच करने नहीं लायक नहीं होता, इतना गर्म हो जाता है। बट एनी वेज लेट्स कैरी ऑन विद द शॉट। इस पे दोस्तों मैंने लगा दिए ये हनीकॉम ग्रेड विच इज़ ऑफ 30 डिग्रीज नाउ। अब मुझे देखना पड़ेगा इसका जो लाइट है वो किस एरिया पे हिट कर रहा है, और देन आई मे हैव टू एडजस्ट दिस लाइट, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा सो दैट आई गेट इट प्रॉपरली ऑन दिस रिवॉल्वर। पहले से मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आई थिंक लाइट का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो हॉटस्पॉट जो एक रिफ्लेक्शन आ गया है वो बहुत ही ख़राब लग रहा है। दोस्तों ये जो 30 डिग्रीज का ग्रिड है उसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ विद ए 60 डिग्री हनीकॉम ग्रिड। दिस इज़ फाइन, चलिए एक शॉट लेते हैं। देखिए जो 30 डिग्री में स्प्रेड था लाइट का वो कम था, अभी ज़्यादा हो गया। एंड आई थिंक दिस 60 डिग्री इज़ मेकिंग मोर सेंस। अपना जो अब भी रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ये सीधे लाइट का रिफ्लेक्शन है। आइए इस रिफ्लेक्शन का कुछ करते हैं ना, हो मुझे ये जो रिफ्लेक्शन है इसको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों इसका जो रिफ्लेक्शन एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहा था, उस रिफ्लेक्शन को रिमूव करने के लिए मैं ये ट्रेसिंग पेपर लगाने जा रहा हूँ। चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। दोस्तों अब आप डिफरेंस देख सकते हो इस शॉट में और जो हम लोगों ने फर्स्ट शॉट लिया था उसमें। दोस्तों मैंने लाइट जो है हल्का सा इंक्रीज कर दिया एंड लेट्स टेक अनदर शॉट। दिस लुक्स बेटर। अब मैं करने ये जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट दिस लाइट बैक इनटू द सीन। और ये वाला जो अपना एरिया है थोड़ा सा इसमें हल्का हाईलाइट आ जाए, दैट विल लुक नाइस। लेट्स डू दैट। आई थिंक ये बेटर लग रहा है मुझे पिछले वाले शॉट से। दोस्तों नाउ आई एम प्रेटी मच ओके विद द शॉट, जो शॉट आ रहे हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जो इस साइड का लाइटिंग था उसको वापस से ऐड कर सकते हैं आप, या फिर इस साइड से एक लाइट और दे सकते हैं सो दैट जो डार्क एरियाज हैं अपने उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग जो राइट साइड वाला लाइट था उसको वापस कर देते हैं एंड लेट्स टेक अ शॉट और फिर देखते हैं कैसा आ रहा है। द लाइट इज़ बैक, लेट्स टेक द शॉट। दोस्तों इस लाइट का मैंने पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया। दोस्तों मैंने थोड़े थोड़े बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं लाइटिंग के लिए सो दैट अपना शॉट क्लोज टू परफेक्शन आए। अभी भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, बट आई लीव इट फॉर नाउ, मुझे शॉट ठीक लग रहा है। दोस्तों अब मैं फाइनल शॉट लेने जा रहा हूं। और दोस्तों ये अपना फाइनल शॉट आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक एक लाइट ऑफ करके अभी ये वाली लाइट ऑफ कर देता हूं और एक शॉट हम लोग फिर से लेके देख लेते हैं। ये वाली लाइट ऑफ है, लेट्स टेक ए शॉट। दोस्तों अब मैं ये वाली लाइट ऑफ करने जा रहा हूं, एक शॉट ले लेते हैं। सो दोस्तों ये शॉट है अपना तीनों लाइट के साथ, ये है अपना विदाउट लेफ्ट लाइट, और ये वाला है जस्ट एक ही लाइट अपनी जो बैक लाइट है। सो दोस्तों मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो ये वाला शॉट है।
नाउ इसमें हम लोगों ने दो लाइट यूज़ किए हैं, वन इज़ द मेन लाइट एज द बैक लाइट और दूसरा जो कैमरे के राइट साइड में है वो वाला लाइट यूज़ किया हम लोगों ने। सो दोस्तों दैट्स इट, अपना आज का शूट ख़त्म होता है एंड डू लेट मी नो आपको ये शॉट कैसा लगा। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पाठशाला नाम से हूँ और फेसबुक पे मेरा एक पेज है वो भी फ़ोटो पाठशाला नाम से है, आप दोनों जगह मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।